It's currently 2:44 a.m. Hello everyone, I hope everyone's doing good. And for me, I have given birth. It's been 20 days that I've given birth and I'm currently adjusting to my new life. So right now I'm getting ready for the day. So this video is going to be about a 24 hours with a newborn baby. Also, we have shifted to my sister-in-law's home because hum log ka ghar abhi tak bani raha hai. It's in the progress and after a few months jab ghar ban jayega tab again we have to shift there. So for the time being we are at my sister's home. I left my home like two weeks almost 3 weeks hone wala hai. So we're currently staying here. I woke up at around like 8 in the morning and I've already fed my baby. So he's with the baby caretaker right now taking natural vitamin D. Aur usko doctor ne prescribe bhi kiya tha vitamin D ka jo dose hai. I've already given him that and now he's taking sun bath. And this time I get to get ready. Also, I got this really cute glossy lip stain from e.l.f. This is a free product, so let's try this out. It's in the shade Pinkies Up. Very cute. So we are going to give my baby a shower, a bath today in the sunlight. Aaj acha se sunlight aa raha hai to usme bath kara lega baby ko after giving him a good massage. Or I've already washed some clothes and baby ka jo raat ka jitna bhi ganda tha, matlab diapers ye sab bhi pura pack karke fekne ke liye ready kar liye. To morning routine wahi rehta hai, raat ka jitna bhi diapers गंदा हुआ है उसको रेडी करके पैक करना है एंड देन बेबी को सन बाथ कराना है फॉर द विटामिन डी एंड विटामिन डोज देना है विटामिन डी डोज देना है उसके बाद वो थोड़ा चिल करेगा दीदी के साथ एंड फॉर टुडे वी आर गोइंग टू गिव हिम अ बाथ अ रियली नाइस वार्म बाथ इन द सनलाइट बेबी वॉश का टाइम है वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेबी शैम्पू बेबी बबल बाथ बॉडी वॉश जैसे यूज करेगा इसको एंड मसाज ऑयल फर्स्ट मसाज कर देगा फेशियल क्रीम एंड बॉडी लोशन ऑल्सो रैश क्रीम ये टब में नहा देगा बेबी को एंड सन बाद सन में मसाज कर लेगा आगे उसके बाद नहा देगा एंड दिस इज टॉवल हो जाएगा ओ ऐसे नहीं होते ऐसे ही होते हैं बच्चों को वो करते समय सो आई एम अ फर्स्ट टाइम मॉम एंड ये मसाज मोशन भी आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब सो प्लीज डोंट कम एट मी कि कुछ रॉन्ग कर रहा होगा तो आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एज वेल ऑल्दो आई वुड लाइक सम एडवाइस रिलेटेड टू बेबी अगर आपके पास कुछ अच्छा एडवाइस होगा तो ज़रूर दीजिएगा आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट एंड दिस इज़ अ पैक मसाज ये दूसरा दिन का है वो वाला दिन का आई डिड नॉट इंसर्ट एनी फुटेज सो ये दूसरे दिन का बहुत अच्छा सा मसाज कर दिया था दीदी ने एंड ही वॉज नॉट क्राइंग एट ऑल सो आई थिंक इट वॉज अ रियली गुड मसाज फॉर हिम अंदर आ गए हैं एंड बेबी इज ऑल वार्म्ड एंड यहाँ पे उसका वंजीज पहन लिया डायपर चेंज कर लिया मिटन्स भी पहन लिया खाना भी खा लिया आई पम्प्ड माय मिल्क टू टाइम्स एंड इस
ने पी लिया सो ही इज ऑल कोजी एंड रेडी टू स्लीप फाइनली माई बेबी इज स्लीपिंग एंड मेरा बूब्स का तो बहुत ही बुरा हालत है पंप कर करके एंड फीड कर करके बट दैट्स ओके ही इज स्लीपिंग सो वेल आई डोंट नो इफ यू कैन हियर द नॉइस ही इज मेकिंग बट ही इज इन अ डीप स्लीप सो आई एम गोइंग टू लेट हिम स्लीप फॉर अ वाइल एंड आफ्टर लाइक 2 hours और सो ये खुद से उठ जाएगा बेबी सो आई एम गोइंग टू फीड हिम अगेन न्यूबॉर्न हमेशा 2 to 3 hours मोस्टली 1 to 2 hours उठ जाते हैं उसके बाद वी हैव टू फीड देम एंड चेक फॉर द डाइपर्स सो उसके बाद दे विल टेक नैप अगेन 16 hours स्लीप तो लेते हैं ये न्यूबॉर्न दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम पीपल श्योर आई एम गोइंग टू लेट हिम स्लीप फॉर अ व्हाइल It's milk pumping time and I'm using this device. ये बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं बट आई लाइक टू कीप इट ऑन 5 में इतना हर्ट भी नहीं करते हैं एंड बहुत अच्छा से फ्लो भी हो जाता है मिल्क का सो आई एम गोइंग टू फिल दिस अप इन अ फीडिंग बॉटल It's currently 5:55, about to be 6 p.m. ish, and I took a little nap. Mera baby caretaker finally aa gaya hai after like 20 days, and I gave him to her. He also took a little nap, and thoda sa mera mujhe bhi time mil gaya sone ke liye, and he is feeding right now. Oh, abhi ye so gaya hai, feed kar ke so gaya, and yes. Also a new update is that I moved from my parents place and right now I am at mera husband ka didi ka ghar mein because our home is in the making so I'll show you a little bit around I mean not around ye room ka hi thoda dikha dega scene he's smiling ye log na jab neend mein hote smile karte hai hasta hai एंड रोता भी है सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओके आई विल शो यू द रूम देयर इज नथिंग मच बट जस्ट 360 सो ही इज स्लीपिंग राइट नाउ एंड यहाँ पे उसका क्रिब है रिसेंटली लगाया था एंड यहाँ पे बहुत सारा सामान है लाइक डाइपर्स एंड वाइप्स उसके बाद यहाँ पे बेबी मिल्क पंप करने के लिए भी है एंड यहाँ पे उसका कुछ बॉडी लोशन पाउडर एंड कुछ कुछ मेडिसिन्स है विटामिन डी ये सब उसके बाद दैट्स द डोर यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे मेरा वो है क्या बोलते हैं वैनिटी अ लिटिल कॉर्नर टू कीप द रूम वार्म यहाँ पे एक हीटर लगाया हुआ है इनफ फॉर दिस रूम आई गेस एंड यहाँ पे भी उसका सामान है बेबी का एंड इन दिस रूम यहाँ पे हम लोगों का क्लॉथ्स रखते हैं एंड ऑल्सो बेबी का क्लॉथ्स एक छोटा सा रूम है एंड दिस इज़ द बेड सो आई नो दिस इज़ नॉट बिग बट एडजस्ट हो जाते हैं एंड बेबी यहाँ पे क्रिब में सोता है सो जस्ट फॉर नाउ इट्स गुड एंड ऑल्सो आई गॉट दिस फेरी लाइट ये स्ट्रिंग फेरी लाइट है इट्स वेरी प्रिटी रात को जब ये बंद कर देते हैं लाइट्स तब बहुत प्रिटी लगता है ये हॉस्पिटल के रूम में भी हंग किया था इसको वी आर गोइंग टू मूव सून अगेन आफ्टर सम मंथ्स सो दिस इज इट फॉर राइट नाउ इट्स 6:40 करेंटली एंड ही इज फीडिंग ऑन द अदर साइड Meanwhile, I'm studying this atomic habits speech mein because my day consists of just staying with the baby. So this one, and also I'm watching a drama called The Demon. So that is what I'm doing. So after he feeds and I'll change his diaper. Uske baad didi ko thoda der de dega uske saath thoda ghumne dene ke liye. He looks freaking cute in this onesie. It's currently 10:20 हो रहा है ना इसका प्ले टाइम है
थोड़ा सा लोएगा, थोड़ा सा खेलेगा, उसके बाद थक जाएगा, उसका दूध पी के सोएगा। सनम में तो सांप बन गया, सांप बन के पेशा तन गया। ओइश 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 एमएमए अभी तक चालू है इसका खेलना। I'll let him play for some time. अभी कितना बज रहा है? 10:30 हो गया। About to be 11. 12 तक तो सो जाना चाहिए ना बाजे। ओल तोला चा पेट हाँ पैर हाथ मार लो। हाँ बोलो। It's currently 2:44 a.m. in the morning, and baby just woke up. Yeah, be feed kar raha hai fir. So like, iska bhi routine ban gaya hai. If he sleeps around like 10 p.m. ko, to 12 ko ek bar utte hai. To and then 2 ka aspas mein ek bar utte hai. उसके बाद ही विल वेकअप 5 या 4 के बीच में एक बार उठेगा। उसके बाद अगेन ही विल वेकअप 6 ऐसे को उठ जाएगा। उसके बाद फिर 8 को उठेगा एंड उसके बाद अच्छा नींद आता है उसको। रात को बहुत ही शेलो वाला नींद आता है, मतलब इतना डीप नहीं होता है उसका नींद। एंड उसके बाद दिन में तो बहुत डीप वाला नींद आता है। It's 5:33, 6 बजने को है। Like I said, 6 बजे तक तो जाता है आसपास में। For feeding, he's feeding now. अभी bottle feed करा रहा है। So, उसके बाद ये 8 को उठेगा। अभी after feeding, he's chilling a little bit. उसके बाद diaper change कर देगा and then he'll sleep again. Diaper पर full हो गया। It's 7:55 in the morning and he woke up. So that is all for today. I'm going to feed him and wahi cycle shuru hoga wapas.
morning se. So yes, I'll see you tomorrow. Oh, sorry, I'll see you in the next video. Bye.